रायबरेली में घर के भीतर संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण विस्फोट। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के चलते यहां घर की दीवारें ढह गईं। वहीं गृह स्वामी समेत दो महिलाएं और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पुलिस इस मामले में लीपापोती करते हुए घटना को सिलेंडर ब्लास्ट से जोड़ रही है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के सीवन गाँव का है। यहाँ का रहने वाला वसीम परिवार के साथ खाना खा रहा था, उसी दौरान घर के भीतर तेज धमाका हुआ और पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। परिवार में वसीम समेत उसकी मासूम बच्ची, पत्नी और मां गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को इलाज के लिए CHC शिवगढ़ भेजा, लेकिन सभी घायलों की गंभीर हालत होने के कारण उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां 5 वर्षीय बच्ची आलिया की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रोमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।